दोस्तों, कैसे हो आप सब? यार, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पे, ठीक है? क्योंकि हमें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इस टॉपिक को शेयर करना चाहिए, क्योंकि जहाज़ पे जब हम होते हैं, जो भी यहाँ पे प्रोविजन आता है वो फ्रोजन होता है। ये सारी बातें सबको पता होती हैं, ठीक है? बट कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं ना जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि हमें रियलाइज़ हुआ और हमें नहीं अच्छा लगा। तो मैंने सोचा इस टॉपिक को, और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो जिनको ये चीज़ें समझ में आती होंगी, तो आज इसी टॉपिक पे थोड़ी बहुत बातें करेंगे आपसे। यार, बात ऐसी है ना कि जब हम गांव में होते हैं तो हमारे वहाँ क्या होता है, जो भी दुधारू पशु हैं, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, तो इनका जो मिल्क होता है ना, हम लोग डायरेक्टली निकालते हैं और उसको एक दिन, अगर अगर हम लोग इसको फ्रिज में रखते हैं तो 1 से 2 दिन में हम उसको पी जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है? अगर विदाउट फ्रिज यूज़ किया जाता है तो 1 से 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं रखा जाता है दूध को। बट जहाज़ पे क्या होता है, जहाज़ पे जो भी प्रोविज़न आता है ना, वो 1 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने, जैसी जहाज़ की स्टोरेज कैपेसिटी होती है और कितना लंबा ट्रैवलिंग है, कितना लंबा सेलिंग है, उसके हिसाब से जो भी प्रोविज़न होता है वो आता है। हमारे वहाँ अभी मैं एक सप्लाई वेसल पे काम कर रहा हूँ और ये अरामको के अंडर में चलते हैं। यहाँ प्रोविजन बहुत अच्छा आता है, नो डाउट्स, ठीक है? जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं सब A1 क्लास आता है, ठीक है? बट यहाँ जो मिल्क आता है ना, उसका जब मैं यहाँ पे आया, ऐसे जहाज पे तो मैं मिल्क ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट यहाँ का जो मिल्क आता है, मैंने देखा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी, तो जो यहाँ का मिल्क है ना, उसका एकदम डिफरेंट टेस्ट है, ठीक है? जो हम लोग का गांव में जो होता है, जो डायरेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में एकदम डिफरेंट टेस्ट है। और इनकी जो वैलिडिटी है ना, 1 ईयर की है। इनको आप फ्रिज में या कोल्ड स्टोर में 1 ईयर तक, क्या बोलते हैं, होल्ड कर सकते हो, रख सकते हो, 1 ईयर तक ये ख़राब नहीं होंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये बात हमें समझ में नहीं आती है। और इनका जो टेस्ट होता है ना, एकदम डिफरेंट टेस्ट होता है। आप इनको यूज़ करो, पता ही नहीं चलता है कि आप दूध पी रहे हो या फिर कॉफ़ी में यूज़ कर रहे हो, एकदम डिफरेंट टेस्ट होता है। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप जहाज़ पे हैं ना, तो इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें नहीं लगता है कि सही है, ठीक है? दूध को अवॉइड करें, उसकी जगह पे आप जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, वो सब यूज़ करें। ये सब चीज़ें हमारे ख्याल से यूज़ करना सही नहीं है, क्योंकि मैं अभी लॉन्ग टाइम से यहाँ पे हूँ और हमें मेरे घुटने में पेन होना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, काफ़ी लोगों से बात की, तो उन्होंने यही कहा कि जो भी आप सील पैक आइटम्स हैं उसको आप कम से कम यूज़ करें। और मैंने सडनली सारी चीज़ें बंद कर दी और हमें काफ़ी रिलीफ मिला है। अभी मैं विदाउट एनी मेडिसिन, अभी मेरा जो जॉइंट पेन है वो काफ़ी सही हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से मिल्क हमारे वहाँ आते हैं और उनकी वैलिडिटी जो भी है, आपको एक बार मैं दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यार, मैंने अभी ये लो फैट निकाला हुआ है, ठीक है? और सेम ऐसा ही बॉटल आता है आपका ये फुल फैट का, ठीक है? आप इस पर देख सकते हो, इधर तो उर्दू में है भाई, ये मेरे को आता नहीं है। इधर आप देख सकते हो, ये फुल फैट है, ठीक है? इसमें अगर टेस्ट की बात करें तो ये थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है? और ये थोड़ा सा क्रीमी होता है। और अब मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, इस पर आप देख सकते हो जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, 29/8/2022, और इसकी एक्सपायरी आप देख सकते हो 29/5/2023, ठीक है? सेम लाइक आप यहाँ भी देख सकते हो, ये 8/2/8/22 है और 2/5/23, ठीक है? मैं यही दिखाना चाहता हूँ यार, ये जो मिल्क होते हैं ना, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, वो 2 से 3 दिन में फ्रीजर में भी रखें तो ख़राब हो जाता है। और ये जो भी ये लोग बना रहे हैं, क्या है, मिल्क है, केमिकल है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? बट इनकी जो एक्सपायरी है 1 ईयर की है। और टेस्ट की बात करें तो भाई, जो हम लोग मिल्क यूज़ करते हैं ना घर में, वहाँ से और इसमें टेस्ट एकदम डिफरेंट है। आप अगर आप इसको यूज़ किए होगे या यूज़ करते होगे, या अगर आप जहाज़ पे जाओगे तो यूज़ करोगे, तो आपको पता चलेगा, ठीक है? मैं तो इसको फुल्ली रेफर करता हूँ कि ये यूज़ करने के योग्य नहीं है। मेरे हिसाब से मैं इसको नहीं पीता, पहले मैं थोड़ा बहुत पीता था, अभी मैं इसको पीना बंद कर दिया हूँ। और आप अपना देखो यार, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।
आपकी कोई भी इंक्वायरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, और इंस्टा का जो आईडी है वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।